बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर की 6 में से 1 सीट पर भी वोटिंग हुई है और श्रीनगर में पूर्व केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के पिता फारूक अब्दुल्ला के पिता चुनाव लड़ रहे हैं। 2009 के लोकसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस सीट पर जीत दर्ज की। जम्मू कश्मीर में मतदान में भारी कमी देखी गई। घाटी के कई युवाओं ने वोटिंग का बहिष्कार किया। आपको बता दें हमारे साथ श्रीनगर से हैं संवाददाता खालिद हुसैन। खालिद, यहाँ पे खास करके श्रीनगर की सीट की बात करें तो 67 से लेकर 2009 तक यहाँ पे 11 बारी चुनाव हो चुके हैं और 9 बारी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ पे अपना प्रतिनिधि यहाँ पे जीता है, उनका संसद में पहुंचा। और 2 बारी जो नहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस का यहाँ से प्रतिनिधित्व रहा वो तब था जब यहाँ से नेशनल कॉन्फ्रेंस चुनाव लड़ी ही नहीं, यानी गढ़ यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस का। लेकिन चिंता वाली बात पिछली बार ये थी चुनावों में कि फारूक अब्दुल्ला सिर्फ 10% के विनिंग मार्जिन से यहाँ पे चुनाव जीते थे, यानी कि 30,000 वोट। ऐसे में क्या लगता है आज जब युवाओं ने बहिष्कार किया कुछ युवाओं ने वोटिंग करने से, तो क्या इसका असर पाले में जाता है एनसी के या उसके खिलाफ जाता है, किस बात को लेकर इतना आक्रोश? देखिए, मैं आपको बताऊं कि जो यहाँ पे स्थिति है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के लिए वो ये है कि ये उनके लिए एक कड़ी चुनौती है, क्योंकि इस बार उनके सामने जो पीडीपी आई है उनमें काफ़ी राइज देखने को मिला है और साथ ही साथ ये एक किस्म का चैलेंज है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए, क्योंकि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इस सीट से कभी भी या फिर उनके जो कैंडिडेट रहे हैं पार्लियामेंट के लिए कभी भी चुनाव नहीं हारा है और इस बार वो फिर मैदान में है और हमने जो अभी तक पोल देखा वो बहुत कम रहा, खासकर अगर हम श्रीनगर की बात करें अभी 1 घंटे पहले तक का अगर हम रेशियो देखें तो केवल 9% वोट पोल हुआ है श्रीनगर में, 32% हुआ है बडगाम में और 38 के करीब हुआ है गांधरबल में। और सबसे बड़ी चिंता जो है थी वो सुरक्षा की थी, कड़े सुरक्षा के प्रबंध किए हैं। हालांकि मतदान यहाँ खत्म हुआ है लेकिन आप मेरे पीछे देख सकते हैं अभी भी यहाँ नाके हैं, सिक्योरिटी वाले यहाँ गाड़ियों को रोकते हैं और उनसे चेकिंग करवाते हैं। लेकिन अगर जो बात आपने कही कि जो पोल बॉयकॉट हुआ है, लेकिन जो परसेंटेज अगर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के हिसाब से देखें, अगर हम चार शरीफ की बात करें या कंगन की बात करें, ये 2 जगह है जहाँ 56 से ऊपर पोल हुआ है इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में और ये दोनों जगह जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस का गढ़ माना जाते हैं और इससे लगता है कि कहीं ना कहीं एज है फारूक अब्दुल्ला को। लेकिन टक्कर जो है बड़ी कड़ी है क्योंकि पिछली बार भी उन्हें काफी कम मार्जिन से उन्होंने जीता था और इस बार निसंदेह उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अगर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ये चुनाव हार जाते हैं यहाँ से तो ये सारा जो प्रभाव जो है आने वाले विधानसभा के इलेक्शन पे भी पड़ेगा। कुछ ही महीनों के बाद यहाँ विधानसभा के इलेक्शन है और नेशनल कॉन्फ्रेंस की हार अगर एक दिग्गज नेता की हार होती है तो काफी दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ेगा पूरी पार्टी को। लेकिन फिलहाल अगर हम देखें जो पोल बायकॉट हुआ है श्रीनगर में, खासकर बहुत कम पोल हुआ है, केवल 6.5 लाख वोटर्स में से कुछ ही हजार वोटर्स ने अपना यहाँ पे पोल किया है, उन्होंने जो मतदान किया है और ये कहीं ना कहीं चिंताजनक बात जरूर है तमाम नेताओं के लिए जो इस वक्त मैदानी इस जंग में है। जाहिर सी बात है, बस अब ऐसे में इंतजार है नतीजों का ही, 16 मई का इंतजार है, तो कम पोल हुआ है इसका असर कितना होगा श्रीनगर पर ये देखने वाली बात।